गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, ये आपका 9th चैप्टर है हिस्ट्री की बुक का, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, यानी क्या चीज़ कब इन्वेंट हुई, क्या चीज़ कब डिस्कवर हुई। ठीक है, इन्वेंट मतलब होता है बनाना, डिस्कवर मतलब क्या होता है, डिस्कवर तो इन्वेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना नए तरीके से, और डिस्कवर मतलब कि पहले से कोई चीज़ है उसको ढूंढ लेना। ठीक है, इन्वेंशन और डिस्कवरीज में ये फ़र्क होता है। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले पढ़ लेते हैं। फ्रॉम स्टोन टू मेटल, यानी कैसे हम स्टोन से मेटल पर गए, ये पढ़ेंगे। स्टीम इंजन कब बना, मास प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। फूड फॉर मशीन्स ये पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी जब हम ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो इन सब के बारे में हमें पता चल जाएगा। इन क्लास 3 यू लर्न दैट द टूल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग वर स्टोन और शार्प वुडन स्टिक्स। जब आप क्लास 3 में थे तो आपने पढ़ा होगा कि अर्ली मैन के जो टूल्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टोन होता है, पत्थर, या फिर कोई भी शार्प लकड़ी की स्टिक यानी डंडी। विद दीज टूल्स दे किल्ड एनिमल्स, और इन्हीं टूल्स से वो जानवरों को मारते थे। लेटर ऑन दे मेड टूल्स फॉर ऑफ बोन्स, और बाद में उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो हड्डियाँ थी, जैसे जानवर मर गए उनकी हड्डियाँ बची हुई रह गई, तो उससे अपने जो हथियार हैं, जो अपने टूल्स हैं, वो बनाने शुरू कर दिए। द प्रोग्रेस टू बेटर टूल्स मेड ऑफ मेटल वॉज वेरी स्लो। द प्रोग्रेस टू बेटर टूल्स मेड ऑफ मेटल्स वर वेरी स्लो, यानी जो प्रोग्रेस थी बेटर टूल्स बनाने की मेटल से, वो बहुत स्लो थी, यानी धीरे धीरे बनाते थे, उनको समझ ही नहीं आता था कैसे बनाएं। एंड टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स, और इसीलिए थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग गए हमें टूल्स को ही बेटर बनाने में। पहले वुडन क्या था, फिर स्टोन, पहले स्टोन था, वुड का यूज़ किया हमने, फिर आगे गए, फिर मेटल का यूज़ कहीं पर किया, तो हमें हज़ारों साल लग गए ये चीज़ करने में। फ्रॉम स्टोन टू मेटल, द फर्स्ट मेटल टू डिस्कवर वॉज कॉपर। सबसे पहला मेटल जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम क्या था, कॉपर। नाम क्या था उसका, कॉपर। लेटर दे डिस्कवर हाउ टू मेक ब्रॉन्ज एंड एलॉय, और बाद में उन्होंने डिस्कवर किया कि कैसे हम ब्रॉन्ज बना सकते हैं। एक अलॉय होता है, मेटल नहीं होता। मेटल जो है वो आपको मिल जाते हैं, मतलब धरती में ही मिल जाते हैं, अर्थ में ही मिल जाते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं, हमें उसको ढूंढना होता है। और जो अलॉय होते हैं वो हम बनाते हैं दो मेटल्स को मिक्स करके, या कुछ चीज़ों को मिक्स करके, एक मेटल को उसको किसी और के साथ मिक्स करके। अब मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स इज कॉल्ड अलॉय। देखो, दो मेटल को मिक्स करके हम क्या बनाते हैं, अलॉय। तो इसीलिए हमने मिक्स किया और ब्रॉन्ज बनाया। इट वॉज मेड बाई मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। किस किस को मिलाया था ब्रॉन्ज बनाने के लिए, कॉपर जो हमें पहले ही मिल गया था, और टिन। एंड वॉज हार्डर देन कॉपर, और फिर क्या बन गई, कॉपर से भी हार्ड बन गया। द डिस्कवरी ऑफ आयरन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। फिर क्या हुआ, आयरन की डिस्कवरी हुई, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट थी। आयरन इज हार्डर देन कॉपर एंड ब्रॉन्ज। अब आयरन जो था वो कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों से ही बहुत ज़्यादा मजबूत था। टूल्स लाइक एक्स प्लो स्लोव्स वर मेड फ्रॉम इट। अब जैसे खेती बाड़ी करने के लिए हल चाहिए, या फिर एक्स चाहिए, एक्स मतलब जिससे पेड़ काटते हैं, ठीक है, कुल्हाड़ी, ठीक है, इन सब के लिए अब हमने आयरन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इट वॉज ईजी टू प्लो लैंड विद दीज टूल्स, और अब लैंड को प्लो करना, जमीन को प्लो करना आसान हो गया इन टूल्स से। पीपल बिगिन टू प्रैक्टिस फार्मिंग विद दीज टूल्स, और लोगों ने फार्मिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, मतलब फार्मिंग करना शुरू कर दिया। दे नाउ सेटल इन वन प्लेस, और अब एक जगह पर सेटल होने लग गए। पहले क्यों घूमते रहते थे, पहले इधर से उधर इसलिए घूमते रहते थे क्योंकि बेटा इनको खाना इकट्ठा करना था। खाना इकट्ठा करके बार बार घर आएंगे तो सभी चलते रहते थे, खाना खाते थे, चलते रहते थे। मगर अब इनको पता चल गया था कि फार्मिंग कैसे करते हैं, एक जगह पे कैसे खाना उगाते हैं, इनको बार बार इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब लोगों ने सेटल होना शुरू कर दिया, यानी एक जगह पर रहने लग गए, इधर उधर हमेशा भटकते नहीं रहते थे। दे नाउ बिगिन टू लीड अ कम्फर्टेबल लाइफ, और अब उनकी आरामदेह जिंदगी हो गई थी, कंफर्टेबल लाइफ हो गई थी। दे नाउ हैड टाइम टू थिंक न्यू आइडियाज, और अब उनके पास नए आइडियाज का सोचने का भी समय था। द स्टीम इंजन, अब हम पढ़ेंगे स्टीम इंजन के बारे में। मैन कंटिन्यूड हाउ टू मेक हिज लाइफ मोर कंफर्टेबल, और आदमी ने ये मतलब कंटिन्यू रखा ये सोचने के लिए कि वो अपनी लाइफ और कंफर्टेबल कैसे बना सकता है, और कंफर्टेबल कैसे बना सकता है।
द नेक्स्ट बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ वॉज द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन. और अब इंसान की जिंदगी में नेक्स्ट बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट क्या था जब किस चीज का इन्वेंशन हुआ? स्टीम इंजन का. 1789 में बाय जेम्स वॉट. किसने किया था ये? जेम्स वॉट ने किया था. इट पेव्ड द वे फॉर द इन्वेंशन ऑफ रेलवे इंजन. और इससे हमें एक रास्ता मिला रेलवे इंजन बनाने का जिससे रेल चलती है. स्टीम इंजन कुड बी यूज टू प्लेइंग शिप इन हाई सीज और सीज को चलाने शिप को चलाने का बड़े बड़े सीज के अंदर. अ फ्यू ईयर्स लेटर स्टीम लोकोमोटिव वॉज मेड बाय जॉर्ज स्टेम्फेंसन. ही नेम्ड हिज स्टीम इंजन रॉकेट. और उसके बाद एक और लोकोमोशन एक और स्टीम इंजन जैसा स्टीम लोकोमोटिव बनाया गया जॉर्ज स्टेफेंसन के द्वारा. और इस स्टीम इंजन का नाम क्या रखा गया? रॉकेट. ठीक है, यानी उन्होंने रॉकेट बनाया था. मास प्रोडक्शन मतलब ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करना, मतलब ज्यादा मात्रा में कोई चीज बनाना. अब देखेंगे इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम. स्टीम इंजन प्रोवाइडेड अ बिग फोर्स टू रन डिफरेंट काइंड ऑफ बिग एंड स्मॉल मशीन्स. स्टीम इंजन की जरूरत पड़ने लगी अब ज्यादा फोर्स के लिए, ताकि बड़ी या छोटी कोई भी मशीन जो है हम उसको चला पाए. द एंटायर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थिंग्स बिगिन टू चेंज. अब हर तरीके को प्रोड्यूस करने का जो तरीका है वो बदलता गया. अर्लियर आर्टिकल्स वर मेड बाय क्राफ्टमैन विद देयर हैंड्स. पहले आर्टिकल्स जो सामान होता था वो क्राफ्टमैन बनाता था, अपने हाथों से बनाता था. क्राफ्टमैन मतलब जो भी चीज़ वो बना रहा है, जो क्राफ्ट कर रहा है और जो आदमी उसको बना रहा है उसको बोलते हैं क्राफ्टमैन, यानी क्राफ्ट करने वाला. बट ऑल द चेंजेस व्हेन ही हैड द मशीन एट हिज डिस्पोजल. मगर सब कुछ बदल गया जब उसके पास मशीन आ गई, ठीक है, उसी चीज को बनाने के लिए. With the use of machine, goods could be produced in large quantities. अब मशीन से क्या होता है कि अब वो प्रोड्यूस तो कर रहे थे गुड, मगर अब ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने लग गए. सपोज आपके पास बेटा, अगर आप एक चीज को देखो, अगर आप एक बास्केट बना रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो बास्केट, आप उसमें ड्रॉ कर रहे हो, कलर कर रहे हो, और फिर आपको आपके फादर ने एक स्टैंप ला के दे दी कि ये स्टैंप रख लो और ये स्टैंप लगा देना, ठीक है, तो आसान किस में होगा? जिसमें आप स्टैंप लगाओगे. ज्यादा से ज्यादा कॉपियों में, नोटबुक में अपनी स्टैंप लगा सकते हो, जबकि बनाओगे तो आप एक या दो तीन कॉपीज में बना लोगे, फिर आप थक जाओगे, राइट? तो हमेशा मशीन के आने से वो एक तरीके की मशीन ही हुई, ठीक है, उसमें बस इंजन नहीं है. मतलब मशीन ऐसी चीज होती है जो आपके काम को आसान करते, ठीक है. बिग एंड स्मॉल मशीन्स वर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस थिंग्स. अब बड़ी और छोटी मशीन्स दोनों तरीके की इस्तेमाल होने लगे इंडस्ट्रीज में चीजों को बनाने के लिए. दिस कुड बी डन वेरी क्विकली. और अब काम जल्दी जल्दी होने लग गया. ऑन असेंबलिंग द पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट बिग एंड स्मॉल मशीन्स द फाइनल प्रोडक्ट बिकम रेडी. और फिर हमें सिर्फ क्या करना था, प्रोडक्ट बन जाते थे, उनको बस साथ में लगाना था और फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो जाता था. दिस इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन. और इसी को क्या कहते हैं? मास प्रोडक्शन. द आइडिया ऑफ मास प्रोडक्शन रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ बिग फैक्ट्रीज. और ये जो आइडिया था मास प्रोडक्शन का, इससे बड़ी बड़ी जो बिग कंपनीज थी वो बहुत ज्यादा डेवलप हुई. एज अ रिजल्ट मैनी बिग फैक्ट्रीज वर सेटअप वेयर गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज वर प्रोड्यूस. अब और बड़ी फैक्ट्रीज जो है वो सेटअप होने लग गई, बनने लग गई, ताकि किसी भी गुड्स को लार्ज क्वान्टिटी में, ज्यादा मात्रा में बनाया जा सके. This gave rise to big cities and thus a great change in the mode of quantity of production during this period. इससे क्या हुआ? बड़ी बड़ी cities का जन्म हुआ, वो नई नई cities बनने लगी और बहुत ज़्यादा change आ गया production की quantity में, मतलब ज़्यादा produce होने लग गया. That is why this period is called the period of industrial revolution. और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. क्योंकि जो इंडस्ट्री वाला एरिया था वो बिल्कुल रिवॉल्व हो गया था, वो बिल्कुल एकदम चेंज हो गया था. फूड फॉर मशीन्स. अब हम पढ़ेंगे फूड फॉर मशीन्स. इन द बिगिनिंग स्टीम प्रोवाइडेड द इंजन टू रन द मशीन. अब स्टार्टिंग में क्या होता था? स्टीम प्रोवाइड कराई जाती थी इंजन को ताकि वो चल सके.
वुड और कोल वॉज यूज टू जनरेट हीट, और वुड और कोल का इस्तेमाल होता था। आपने कोई पुरानी मूवी देखी होगी तो देखा होगा कि रेलगाड़ी कब चलती थी, उसमें सब कोयला डालते रहते थे तो उससे चलती थी, ठीक है। तो लकड़ी और वुड दोनों का ही इस्तेमाल होता था हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। निकोलस कग्नट अ फ्रेंच मैन वॉज परहैप्स द फर्स्ट टू यूज स्टीम इंजन इन हिज फर्स्ट व्हीकल दैट ही इन्वेंटेड इन 1769। निकोलस जो था वो एक फ्रेंच आदमी था और वो पहला आदमी था जिसने स्टीम इंजन को अपने व्हीकल अपनी गाड़ी में इस्तेमाल किया था, जो उसने बनाई थी 1769 में। इन 1879 टू ग्रेट इन्वेंशंस वर मेड, और 1879 में दो बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुई। वन वॉज द इंटरनल कंबर्शन इंजन एंड अनदर वॉज एयर फिल टायर। एक तो इंटरनल कंबर्शन इंजन और दूसरा एयर फिल टायर, यानी जिन टायर्स में एयर भरी जा सके, ऐसे टायर्स, ठीक है। गॉटलिब डैमलर अ जर्मन साइंटिस्ट इन्वेंटेड एन इंजन इन 1885, ठीक है। तो डैमलर ने, एक जो जर्मन साइंटिस्ट था, उन्होंने इंजन इन्वेंट किया 1885 में, विच रैन ऑन पेट्रोल। अब किससे चलता था? पेट्रोल से चलता था। उसको कोल की या वुड की जरूरत नहीं होती थी, वो पेट्रोल से चलता था। इट वॉज यूज टू रन मोटर कार्स, स्कूटी, स्कूटर्स एक्सेट्रा। और ये किसमें लगाया गया? जिससे मोटर कार चल सके, स्कूटी चल सके। आफ्टर सम ईयर्स अनदर जर्मन साइंटिस्ट, और कुछ समय बाद एक और जर्मन साइंटिस्ट था, रुडोल्फ डीजल, इन्वेंटेड एन इंजन दैट रन ऑन अनदर बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक इंजन बनाया जो दूसरे प्रोडक्ट पर चलता था, पेट्रोलियम के ही। दिस बाय प्रोड्यूस बाय द डीजल, ठीक है। और वो किस पे चलता था? डीजल पे। दिस बाय प्रोडक्ट वॉज कॉल्ड डीजल, और इसी प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट पेट्रोलियम का था, उसको हम क्या कहने लग गए? डीजल। नाउअडेज ट्रक्स, कार्स, बसेस, रेलवेज, इंजन, जनरेटर एक्सेट्रा रन ऑन डीजल। और आज के समय में ट्रक हैं, कार हैं, बसेस हैं, ये सब डीजल पर चल सकती है। आपकी जो फर्स्ट वीडियो है बेटा, ये यहीं पर फिनिश होती है।